फ्रेंड्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में नाइन्थ क्लास के इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। आइए जानें क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस लाइन को देखिए, ये एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन के बारे में हम सब जानते हैं। ये एक और नंबर लाइन है जो पहली लाइन को परपेंडिकुलरली काटती है। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, या फिर जैसे कि यहाँ लिखा है एक्स एक्स डैश, और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं या वाई वाई डैश, और इन्हें हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। अब क्योंकि एक्स एक्स डैश एक नंबर लाइन है, इसमें इक्वल पार्टीशंस हैं, जैसे नंबर लाइन में होते हैं। एक पार्टीशन एक यूनिट के बराबर होता है, वैसे ही वाई वाई एक्सिस पर भी इक्वल पार्टीशंस हैं, और यहाँ भी एक पार्टीशन एक यूनिट के बराबर है। यहाँ देखिए, दोनों नंबर लाइन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसे हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ एक्स एक्सिस का भी पॉइंट जीरो है और वाई एक्सिस का भी जीरो, इसलिए इस पॉइंट को हम जीरो जीरो लिखते हैं। इस पूरे सिस्टम को, जिसमें दो नंबर लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, को हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। इस कार्टेशियन सिस्टम को ध्यान से देखिए, ये चार भागों में बटा हुआ है। ये है पहला भाग, इसे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। एंटी क्लॉकवाइज जाते हुए हम सेकंड क्वाड्रेंट पर पहुंचते हैं। इसी तरह ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्योंकि ये नंबर लाइंस हैं, ओरिजिन से राइट की ओर जाते हुए एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है और ओरिजिन से लेफ्ट पर नेगेटिव, वैसे ही वाई एक्सिस पर ओरिजिन से ऊपर की ओर जाते हुए वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नीचे की ओर नेगेटिव। अब आप बता सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स होता है नेगेटिव और वाई होता है पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट का भी बता सकते हैं। जी हाँ, यहाँ एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव। और ये है इंट्रोडक्शन टू कार्टेशियन सिस्टम। थैंक यू।